ओके सो फ्रेंड्स, आज हम चालू करने वाले इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में, IHP इसको हम लोग बोलते हैं, IHP। सो इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ये डिप्लोमा डिप्लोमा ओके मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 इसमें आता, और बहुत सारे इसमें अलग अलग टॉपिक्स इसके अलग अलग जो कोर्सेस है उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ये ओवरऑल एक ब्रीफ पता चलेगा इसके बारे में कि क्या इसको इसके अंदर आएगा और कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे इसके। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं आपको एक ओवरऑल ब्रीफ बताऊंगा कि इसके बारे में क्या होता है। तो फर्स्ट जो हम लोग ये मॉड्यूल है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग को बताएगा कि जो बेसिक है इसके रिलेटेड वो कैसा आएगा। तो बेसिक्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर बेसिक्स का अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोलिक्स ये जो सब्जेक्ट ये टॉपिक है वो विच इज रिलेटेड टू ऑयल और फ्लूइड, ठीक है। एंड हाइड्रोलिक्स में हम लोग पंप यूज करते हैं, ठीक है, पंप यूज करते हैं। और न्यूमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं पता है, न्यूमेटिक्स में हम लोग एयर यूज करते हैं और कंप्रेसर यूज करते हैं, एयर और कंप्रेसर यूज कर। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स के रिलेटेड क्या है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें हम लोग ऑयल या फ्लूड यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग एयर यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग पंप यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं। ये हैवी जो लोड्स होते हैं इसके उठाने के लिए यूज करते हैं, और ये कंपेरेटिवली लो जो लोड्स होते हैं वो उठा मतलब उसके लिए यूज करते हैं न्यूमेटिक्स। देन इसका जो ये होता है प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, एंड प्रेशर इन न्यूमेटिक्स इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द हाइड्रोलिक्स। सो ये सारे पॉइंट्स है आपको पता होने चाहिए। अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो पर क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, क्वेश्चन इससे बहुत बार आता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो आपको मैं पहले बता दूं कि इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम का जो बेसिक लेआउट है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कैसा आएगा, सबसे पहले एक है ऑयल स्टोरेज, ठीक है। ऑयल स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को स्टोर करके रखते हैं इसके अंदर। ऑयल को स्टोर करके रख के बाद फिर उसके बाद वो पास हुआ किधर से, फिल्टर, ओके। फिल्टर फिल्टर क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ से बाहर निकाल देगा, जो उसको रिक्वायर्ड नहीं है वो। देन वो पास हुआ किधर, वो जाएगा पंप के अंदर। पंप क्या करेगा, पंप प्रेशर प्रोवाइड करेगा, ओके, पंप प्रेशराइज करेगा, ओके, प्रेशर प्रोवाइड करेगा। जैसे पंप प्रेशर प्रोवाइड करेगा उसके बाद वो जाएगा किसके अंदर, कंट्रोल वॉल्स के अंदर, कंट्रोल वॉल्स के अंदर। अभी कंट्रोल वॉल्स क्या करेगा, तो कंट्रोल वॉल्स हम लोग कंट्रोल करके रखेंगे कि उसको जो रिक्वायर्ड हम लोग को प्रेशर है वो लेवल पे हम लोग को उसको सेट करके रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि मुझे जो प्रेशर है वो समझ लो 7 बार का यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ओके, 7 बार का रिक्वायर्ड। और मेरा जो जनरेशन पर जो प्रेशर पंप बना रहा है वो है 10 बार का, तो एक्सिस कितना है, एक्सिस कितना है, 3 का, करेक्ट। वो 3 जो है वो मेरे कंट्रोल वॉल को डैमेज करेगी, ठीक है, कंट्रोल वॉल को डैमेज, क्योंकि मैं वो जो कंट्रोल वॉल है वो 10 बार के प्रेशर को रिड्यूस करके 7 बार में लेके आ रहा है। तो एक्सिस जो 10 बार 3 बार है उसको हम लोग बाहर फेंकना पड़ेगा, इधर दूसरी बार डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो वो डाइवर्जन मतलब ये प्रोटेक्टिव वॉल, वो प्रोटेक्टिव वॉल क्या करेगा, ये प्रोटेक्टिव वॉल ये कंट्रोल वॉल्स को प्रोटेक्ट करेगा। जो एक्सिस 3 बार का जो प्रेशर है वो यहाँ से निकाल के वो मेन लाइन में ट्रांसफर करेगा, और मेन लाइन में ट्रांसफर करके फिर वापस वो पंप से आगे बढ़ के वो कंटिन्यूसली आगे मूव होता रहेगा, समझे। तो ये प्रोटेक्टिव वॉल क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव वॉल आपका जो प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस का जो कंट्रोल वॉल को प्रिवेंट करने का काम है वो ये वाला जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो करता है, ओके। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये प्रोटेक्टिव वॉल जो है ना, ये प्रोटेक्टिव वॉल कंट्रोल वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद ये आगे जाएगा किसके अंदर, एक्चुएटर्स के अंदर। एक्चुएटर्स के अंदर क्या करेगा पता है, वो एक्चुएटर के अंदर हम लोग जो प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, वो प्रेशर को वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर पता है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मतलब प्रेशर एनर्जी जो है ना हम लोग का, प्रेशर एनर्जी, वो प्रेशर एनर्जी हम लोग कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। और मैकेनिकल एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे किसके लिए,
अलग अलग यूजफुल जो हम लोग यूज रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से वो जाएगा, जो एक बार कन्वर्ट हो गया तो बचा कौन, सिर्फ ऑयल। तो ऑयल को हम लोग वापस रिटर्न लाइन से किसके अंदर डालेंगे, ऑयल स्टोरेज के अंदर, ऑयल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। ये ऐसे काम कर चलता रहेगा। समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम आपको एग्जाम के अंदर ये सारे चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट वे से एक्सप्लेन करना। पहले ये डायग्राम बनाना, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद फिर उसके बाद आपको उसके अंदर जो प्रोसेस है वो पूरा एक्सप्लेन करना। और वो ऐसे पकड़ के चलो, हर एक कंपोनेंट को अलग अलग एक्सप्लेन करो, और उसके बाद पूरे प्रोसेस को अलग से एक्सप्लेन करो, क्योंकि जितना आप लेंथ बढ़ाओगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। चलो नेक्स्ट, मेरिट डिमेरिट्स। सो मेरिट डिमेरिट्स आर एक्चुअली अ टर्म व्हिच टेल्स अस अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो मेरिट्स क्या बोलते हैं, जनरेट्स वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। कौन बनाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम, करेक्ट है। क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग प्रेशर जो बनाते हैं वो कंपेयर टू न्यूमेटिक से ज्यादा होता है। देन वेट टू पावर रेशियो इज लेस देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या, कि वेट टू पावर रेशियो, वेट टू पावर रेशियो का मतलब क्या हो, समझ लो ये एक एबीसी लड़का है, ठीक है। ये जिम जाता है, ओके, ये जिम जाता है। अभी इसका खुद का वेट है अराउंड 60 kg फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये 60 kg का लड़का है, पर ये जब एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज करने के टाइम पे ये जो वेट लिफ्टिंग करेगा वो 100 kg का करेगा फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे बताओ ये खुद कितने वेट का है, 60, वो उठा कितने वेट रहा है, 100, मतलब वो अपने वेट से ज्यादा वेट उठा रहा है, करेक्ट। तो मतलब ऐसा बोल दूं कि इसका खुद का वेट 60 है, ठीक है, और उसका वो उठा कितना रहा है, 100। तो ये अल्टीमेटली आंसर कितना है, 0.6, विच इज लेस देन द अदर प्रोसेस, ठीक है, अदर प्रोसेस। इसके लिए इसको बोला कि खुद का वेट मशीन का और वो कितना उठा रहा है, मतलब कितना काम कर रहा है, वो लेस है किससे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से, मतलब बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के जो सिस्टम है उनसे ये हाइड्रोलिक सिस्टम का वेट टू पावर रेशियो कम है, ठीक है। ये कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर जो होता है ये रिवर्स होता है इंस्टेंटली, क्योंकि देखो ये जो मोटर है ये ऐसे काम करता है, ठीक है। इसके अंदर फैन होता है, मतलब वेन्स होते हैं, सॉरी वेन्स होते हैं, और अगर हमने फ्लूड यहाँ से भेजा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सिमिलरली अगर आपने क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से इसका, यहाँ से आपने ऑयल भेज दिया तो इंस्टेंटली उसका डायरेक्शन चेंज होकर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मोटर विच कैन बी रिवर्स इंस्टेंटली। देन सेल्फ लुब्रिकेटिंग है, करेक्ट। सेल्फ लुब्रिकेटिंग मतलब क्योंकि ऑयल इतना सारा है उसके पास, वो तो क्यों अलग से क्यों मांगेगा ऑयल, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, यूजिंग फ्लेक्सिबल का कनेक्शन, फ्लेक्सिबल कनेक्शन इन द सेंस आपके घर में जो गैस होता है, गैस सिस्टम, अगर आपने गैस के बाजू में जो सिलेंडर है और आपका जो बर्नर्स है, ठीक है, बर्नर मतलब जो अपना गैस का जहाँ से हम लोग गैस जलाते हैं उसके बीच में जो कनेक्शन देखो ना वो फ्लेक्सिबल पाइप होता है। तो ये फ्लेक्सिबल पाइप जो है ना, ये फ्लेक्सिबल पाइप आपको डिनोवे बताया कि इसके अंदर ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन से यूज होता है। सेम वे यही सेम सिमिलर फ्लेक्सिबल कनेक्शन हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में भी यूज करते हैं, ओके। तो ये ऐसे काम करता है। डन डन, समझ में आया अच्छे से? चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, डिमेरिट्स। सो डिमेरिट्स टेल्स अस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम। सो डिमेरिट्स क्या होता है कि सबसे पहले कॉस्ट ज्यादा है, ओके, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि जो इक्विपमेंट्स है वो कंपेयर्ड टू न्यूमेटिक्स के ज्यादा प्रेशर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है। देन चांसेस ऑफ लीकेजेस ज्यादा होता है क्योंकि ऑयल है, करेक्ट, ऑयल है, ऑयल होने की वजह से वो चांसेस ज्यादा होगा, लीकेज ज्यादा होगा। अगर लीकेज ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पर उस टाइम पे प्रेशर जल्द इमिडिएटली ड्रॉप होगा, ओके। अगर प्रेशर ड्रॉप हुआ तो उसके बाद फिर उसका जो काम है वो थोड़ा सा डिले होता जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका ओवरऑल प्रोसेस कहाँ पर यूज होगा, तो ये प्रोसेस हम लोग फार्मा और फूड इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि उसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसके अंदर ऑयल या फिर फ्लूइड कनेक्टेड है, ऑयल और फ्लूइड कनेक्टेड है, बराबर। ऑयल और फ्लूइड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि लीकेजेस हो रहे हैं, लीकेजेस की वजह से कोई फूड प्रिपेयर हो रहा है उसके अंदर ये ऑयल मिक्स हो गया, या फिर फार्मा मतलब वहां पर कोई दवाई बन रही है उसके अंदर ये ऑयल मिक्स हुआ तो रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन होने के बाद वो जब कोई भी एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अगर कोई ह्यूमन या फिर कोई एक कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा तो उस टाइम पे
वो बीमार पड़ सकता है या फिर कुछ इशू हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री में अवॉइड करते हैं। पैकेजिंग और सब जगह पे दूसरे डिपार्टमेंट यूज करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग और सब जगह पे नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सिमिलर वैसे अगर हम लोग कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पर होते हैं, मतलब कोल्ड कंट्रीज जो है वहां पर हाइड्रोलिक ऑयल डायरेक्टली यूज नहीं करते। ओके, हाइड्रोलिक ऑयल डायरेक्टली क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो फ्रीज होते हैं। ओके, उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, अलग से हीटिंग इक्विपमेंट्स लगाते हैं या फिर उसको हम लोग एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या करते हैं पता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर है जो इमिजिएटली ड्रॉप हो रहा है उसको वो लोग प्रिवेंट करके रखते हैं। ठीक है, फ्रीज होने से बचाते हैं इन शॉर्ट। फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, करेक्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि बार बार लीकेज हो रहा है, बार बार उसका लीकेज होने के बाद उसको साफ सफाई करना पड़ता है, मतलब एक प्रकार क्लीनियस मेंटेन करके रखना पड़ता है। देन उसके बाद सिमिलर उसका जो ओवरऑल ये जो फ्लेक्सिबल कनेक्शन है उसको बार बार हम लोग मेंटेन करना पड़ता है, इक्विपमेंट्स को चेक करना पड़ता है, उसके लिए उसका कॉस्टिंग ज्यादा है और मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है। देन ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करेंगे हम लोग।